तो ये है एक्सरसाइज 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. क्वेश्चन 7, क्वेश्चन रीड करते हैं. फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसी के बेस पर. पहले हम फिगर बनाने की कोशिश करेंगे. तो कोई बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है, इसकी हाइट है 20 मीटर. उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि इसके ऊपर एक टावर बना हुआ है. ये सपोज कर लिए ये टावर है और इसकी हाइट हम सपोज कर लेते हैं h. ये जो हाइट है वो यहाँ से यहाँ तक है. ये टावर का बॉटम है और टावर का ये टॉप है और ये बिल्डिंग का टॉप है. नीचे इसका बिल्डिंग का बॉटम है 20 और ये एच. कोई पॉइंट है जहाँ से देखा जा रहा है तो सपोज कर लिए ये पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दिया तो टावर का ये टॉप है. टॉप के लिए हमें एंगल बताया गया 60 डिग्री, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 60 डिग्री से. ये 60 डिग्री है अंदर वाला एंगल, कंप्लीट एंगल. उसके बाद एक एंगल बनाया जाता है इसके बॉटम पर और बॉटम पर जो एंगल बनता है वो बनता है 45 डिग्री. इसका कुछ नाम रख देते हैं, ए, देन बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी. तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर. वो हाइट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले टेबल पर आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए टेबल क्या बनती है. पी बाय एच, देन बी बाय एच, पी बाय बी, ये है फॉर्मूला साइन के लिए. उसके बाद कॉस, फिर टेन. तो टेन में यूज होता है परपेंडिकुलर और बेस. तो यहां पर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है 20, उसके बाद बेस है इसका ए बी. इसको भी हम सपोज कर लेते हैं, कुछ एच सपोज कर लिया. अब हम राइट करेंगे यहां पर, लेट ए बी इक्वल टू एक्स एंड सी डी इक्वल टू एच. ये हमने सपोज किया अपनी तरफ से, इसको एक्स सपोज कर लिया, इसको एच सपोज कर लिया. अब जब हम डबल एंगल की बात करते हैं तो पहले कौन सा एंगल लेंगे वो भी हम देखते हैं. तो आप किसी को भी पहले ले सकते हो, किसी को भी बाद में ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अच्छा होगा कि पहले हम उस एंगल को लें जिसमें सिंगल टर्म यूज होती है. सिंगल टर्म से मतलब ये है 45 डिग्री है. 45 डिग्री के लिए हम 20 का यूज करेंगे क्योंकि ये 45 जो है उसकी आर्म यहाँ तक है, उसकी जो रेंज है वो यहाँ तक है. 20 और एक्स का यूज करेंगे. अगर हम 60 को लेंगे तो 60 एंगल यहाँ तक बना हुआ है, मतलब हमें एक्स भी लेना पड़ेगा साथ में 20 भी लेना पड़ेगा. तो ये डबल टर्म्स हो जाती हैं. तो जो सिंगल टर्म वाला है उसको हम पहले लेंगे. स्टार्ट करते हैं. ये ट्रेंगल बना हुआ है ए बी सी. इन ट्रेंगल ए बी सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा 10, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर है और ये बेस है. परपेंडिकुलर और बेस आते हैं 10 में. 10 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 एंड बेस x. 10 45 इक्वल टू 1, देन 20 बाय x, फिर x इधर आ जाएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर. ये हमने x की वैल्यू फाइंड की है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी और तब हम पुट करेंगे. इसको बना देते हैं इक्वेशन 1. अब आगे हमें फाइंड करना था हाइट. हाइट फाइंड करने के लिए हम दूसरा एंगल लेते हैं 10 60 डिग्री. नाउ 10 60 इक्वल टू 10 60 डिग्री जब हम लेंगे तो 60 डिग्री बना हुआ है यहां तक, तो एच प्लस 20 आ जाएगा परपेंडिकुलर. तो हम लिखेंगे एच प्लस 20 डिवाइडेड बाय बेस, फिर से वही रहेगा एक्स, तो इस बेस को लिख देंगे हम एक्स. 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच प्लस 20 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू है 20. और ये वैल्यू कहाँ से आई, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, एक्स इक्वल टू 20. तो हम यहां पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1. तो हमने वैल्यू पुट की एक्स की. उसके बाद
इसका मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 20 रूट 3 इक्वल टू h प्लस 20। अब h की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 20 को हम लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, 20 रूट 3 माइनस 20 इक्वल टू h, यहाँ से कॉमन लिया जाएगा 20, तो हम 20 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा रूट 3 और यहाँ पर ये माइनस है, फिर 20 कॉमन ले लिया हमने तो 1 रह जाएगा इक्वल टू h। इसी को हम पलट के लिख देते हैं, h इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 1 और ये इसका आंसर है। यही हमें हाइट फाइंड करनी थी, तो पहले हमने x मतलब बेस फाइंड किया, बेस की हमें ज़रूरत पड़ती है इसलिए हमने फाइंड किया है।